अहा 17 और 18 फेब्रुवारीत देशर राजधानीत अनुष्ठित हब बिजेपिर राष्ट्रीय अधिवेशन प्रगति मैदान थका भारत मंडपत यह राष्ट्रीय अधिवेशन अनुष्ठित हब देशर 11,500 प्रतिनिधिये अंशग्रहण करिब एक अधिवेशन राष्ट्रीय राज्य पर्यायर जिला पर्यायर नेतृत्व इतना अंशग्रहण कर मूलत विस्तारक सभा आगंतुक निर्वाचन और विकसित भारत सन्दर्भ से बैठक आलोचना कर 17 तारिखे बिजेपिर राष्ट्रीय सभापति जे पी नाड्डा मुक्ति बिजेपिर एक राष्ट्रीय अधिवेशन 18 तारिखे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भाषण समाप्त हब अधिवेशन बिजेपिर ज्येष्ठ नेता रवि शंकर प्रसाद संबद मेल जुगे आज एक कथा सदरी कर हमारे बारे में कांग्रेस हो या वामपंथी हो कई प्रकार की टिप्पणियां करते हैं लेकिन लोकतांत्रिक रूप से पार्टी के संगठन का अभियान सबसे अधिक भाजपा चलाती है। समय पर राष्ट्रीय अधिवेशन करना, समय पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी करना, प्रदेशों में कार्यक्रम करना संगठन के, तो ये हमारा डीएनए है। इस बार अपना लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने 370 का सेट किया है और लोकसभा में एनडीए 400 के पार, तो उस महान आह्वान को फलीभूत करने के लिए 17-18 को यह अपना राष्ट्रीय अधिवेशन भारत मंडपम में दिल्ली में होगा। इसमें कुल 11,500 डेलीगेट्स भाग लेंगे। इसमें सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी केंद्रीय मंत्री, स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री रहेंगे, सारे एमपीज, पूर्व एमपीज, विधायक, मेयर, डिप्टी मेयर, जिला परिषद के अध्यक्ष, इसके अलावा प्रदेश के संगठन के प्रभारी पदाधिकारीगण, जिला के अध्यक्ष और महामंत्रीगण, ये सभी उसमें रहने वाले हैं। जो संगठन के विस्तारक हैं बड़े, वो भी उसमें रहने वाले हैं। 17 तारीख को फर्स्ट हाफ में पदाधिकारियों की बैठक होगी और 3 बजे झंडोत्तोलन होगा और उसके बाद ये 18 तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें 2 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। आगामी चुनाव पर विस्तार से चर्चा होगी, विस्तारकों की बैठक होगी अलग से और विकसित भारत का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसका एक उसमें प्रदर्शनी भी लगेगी क्योंकि देश भर से लोग आएंगे